हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं टेक्निकल विक्की जोन यूट्यूब चैनल। और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आने वाले नए MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए लेटेस्ट बीटा अपडेट की जो हमें हमारे फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वो अपडेट है MIUI 10 का 9.5.30, यानी कि 30 मई 2019 का बीटा अपडेट है, जो लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था। उसके बाद का जो अपडेट था वो सस्पेंड हो गया था। लेकिन दोस्तों, इस वीक जरूर से आपको फ्राइडे को एक अपडेट जरूर से यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे उसी अपडेट की कि कौन सा अपडेट होगा, कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि कौन सा अपडेट होगा, कब आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, अपडेट की बात की जाए कौन सा अपडेट यहाँ पर आने वाला है, तो MIUI ग्लोबल बीटा रोम 9.6.13, यानी कि 13 जून 2019 का बीटा अपडेट होगा, जो आपको 14 जून 2019 को यहाँ पे देखने को फ्राइडे को मिलने वाला है। अब दोस्तों, बात की जाए इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ चेंज की, तो यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स फीचर सपोर्ट द यूज़ ऑफ लिविडेशन विंडो टू ओपन अप्लीकेशंस, नया फीचर ऐड किया जाएगा क्विक रिस्पॉन्स का। उसका एक स्क्रीनशॉट आपको ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, इसके भी मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ खास इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये एक पिक्चर निकल कर आई है इस अपडेट की कि इस अपडेट में आपको ये वाला फीचर देखने को मिलेगा। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और उसे आप क्विक रिप्लाई के थ्रू भी यहाँ पर इसे भेज सकते हैं ऐड करके। इसके साथ आप कोई मैसेज भी अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ इस अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए और क्या कुछ नया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे बग्स भी फिक्स किए गए हैं Xiaomi की तरफ से। फिक्स्ड ए प्रॉब्लम व्हेन द नोटिफिकेशन पैनल वाज एक्सीडेंटली अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कॉल। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल ऑटोमेटिकली होता क्या था, ये अपन जब भी कॉल करते हैं तो नोटिफिकेशन जो पैनल है इसमें से अपने आप फ्लैश लाइट ऑन हो जाती थी जब भी हम कॉल पे होते थे। तो ये एक काफ़ी बड़ी समस्या थी काफ़ी फ़ोन्स के लिए, तो इसे यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। काफ़ी बड़ा बग था ये। इसके अलावा दोस्तों, एक और बग यहाँ पर फिक्स हुआ है, फिक्स्ड ए बग दैट कॉज्ड द फिंगरप्रिंट आइकॉन नॉट अपेयर ऑन द स्क्रीन। फिंगरप्रिंट का जो आइकॉन है वो ही गायब हो गया था, काफ़ी सारे फ़ोन्स का जो इशू था ये, अब इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में। इसके अलावा दोस्तों, एक मेजर चीज आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा और वो होने वाला है एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी पेज लेवल है, वो आपको ज़रूर से यहाँ पे जून का अपडेट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज लेवल है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी 5 जून 2019 का देखने को मिल गया, तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज लेवल में आपको कोई चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि नया अपडेट आपको किस किस फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये फ्राइडे को ही पता चलेगा कि किस किस फ़ोन के लिए अपडेट यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि MIUI की सही जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू गाइज़ आज का ये वीडियो देखने के लिए।